सो है गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे जो ट्रैम GT3 ये जो बाइक है ना, ये बाइक के अंदर तुम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा, बाइक का टॉप स्पीड, माइलेज, प्राइस सब कुछ बताएंगे। सो गाइस, आज के वीडियो का थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो भाई वीडियो के अंदर लाइक करो एंड चैनल के अंदर ना हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बताएंगे यहाँ पे गाइस, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग भाई सपोर्ट नहीं करो तो भाई कौन सपोर्ट करेगा पहले गाइस, ये बताओ। आज हम लोग बताएंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो खतरनाक वाला बाइक है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा बाइक है, ये बाइक तुम लोग को सबसे ज्यादा खतरनाक वाला पावर भी देखने को मिलेगा और ये बाइक के अंदर सबसे ज्यादा वेट वाला बाइक देखने को मिलेगा। तो ये बाइक के अंदर तुम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा पूरा फुल रिव्यू करेंगे। तो प्लीज यार भाई वीडियो को लाइक करो, कौन सा बाइक को लेकर नेक्स्ट वीडियो चाहिए और भी भाई कमेंट करके बता दो, आपका ड्रीम बाइक कौन सा है और भी भाई कमेंट करके बता दो। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे ये बाइक के अंदर तुम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये बाइक के अंदर तुम लोगों को 2500 cc का इंजन देखने को मिलेगा, 2500 cc का इंजन देखने को मिलेगा। मतलब कितना खतरनाक वाला बड़ा वाला इंजन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कंपनी ने, वो तो आप लोग देख लिया। और साथ में लिक्विड कूल ऑन 12 वाल्व का इंजन देखने को मिलेगा, मतलब एनलाइन 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलेगा पर वाल्व, यहाँ पे भाई 4 वाल्व का इंजन देखने को मिलेगा पर सिलेंडर यहाँ पे। तो आप लोग तो देख लिया, मतलब इंजन के अंदर पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगा। और साथ में तुम लोगों को यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लास ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर भी तुम लोग को अवेलेबल कर दिया। और ये बाइक के अंदर तुम लोग को जो BHP देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा खतरनाक वाला BHP 167 BHP देखने को मिलेगा, मतलब एक सुपर बाइक के अंदर तुम लोग को पता है भाई कितना खतरनाक वाला BHP देखने को मिलेगा। और ये बाइक तुम लोग को प्रोवाइड कर दिया एनलाइन 3 सिलेंडर के अंदर, तो एनलाइन 3 सिलेंडर का जो साउंड भाई वो भी भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत साउंड है। एक बार एक साउंड सुन लो तुम लोग। तो गाइस इसका साउंड सुन के आप लोगों को कैसा लग रहा है ऑब्वियसली कमेंट करके बता दो। और अभी हम लोग बताएंगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी। भाई यार क्या है बोलो, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा बाइक है, बड़ा जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, इसके अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड कर दे 80 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में इसके तुम लोग को ड्यूअल चैनल ABS, मतलब सामने तुम लोग को फ्रंट ब्रेक या डबल डिस्क का सेटअप देखने को मिलेगा। रियर तुम लोग को मतलब दोनों जो ब्रेकिंग कंट्रोल है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वाला ब्रेकिंग कंट्रोल देखने को मिलेगा। और माइलेज का भाई मत पूछो क्योंकि माइलेज यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। माइलेज आप लोग को सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर, 13 से 15 किलोमीटर यहाँ पे माइनस देखने को मिलेगा। और इसके तुम लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कोई कोई सीट पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेसिंग बाइक नहीं है, ये बाइक नॉर्मल गाइस रोड के अंदर चलाने के लिए। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक के अंदर क्या को राइडिंग मोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस बहुत सारा राइडिंग मोड, जैसे रेंज मोड देखने को मिलेगा, स्पोर्ट मोड, राइडर मोड, रोड मोड, जैसे चार यहाँ पे मोड देखने को मिलेगा। और ये बाइक के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा वाला LED डिजिटल डिस्प्ले मीटर देखने को मिलेगा। ये जो मीटर देखे कैसे लग रहा है और भाई कमेंट करके बता दो। और बाइक का जो वेट है, दुनिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा भारी जो बाइक है ये बाइक के अंदर 294 kg वेट देखने को मिलेगा, मतलब कितना भारी बाइक है वो तो आप लोग भाई देख ही लिया। तुम लोगों को पावरफुल ड्यूअल LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देखने को मिलेगा, साइड इंडिकेटर LED देखने को मिलेगा, पीछे का टेल लाइट भी LED देखने को मिलेगा, सारे कुछ यहाँ पे LED देखने को मिलेगा। और सिर्फ बहुत ज्यादा खतरनाक वाला बाइक हो रहा है, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है एक बार प्लीज यार कमेंट करके बता दो। और अभी हम लोग जो मेन जो बात है इसका डिस्क का साइज बताएंगे। सामने मतलब फ्रंट का जो साइज होगा 320 mm और रियर आपको 300, मतलब भाई क्या बोलो, मतलब कितना खतरनाक वाला ब्रेकिंग कंट्रोल होगा वो तो आप लोग भाई देख ही लिया। और साथ में टायर साइज का बात करेंगे तो भाई KTM के पीछे का जो टायर होता है ना, इसके अंदर भाई सामने आप लोग वही वाला टायर देखने को मिलेगा, सामने आप लोग 150x80x17 देखने को मिलेगा। और रियर टायर मतलब पीछे का जो टायर होगा 240x50x16 टायर होगा, मतलब टायर का जो साइज है ना भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वाला देखने को मिलेगा। और मेन जो बात है बाइक का प्राइस कितना हो सकता है, बाइक का प्राइस तुम लोग को बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भाई एक नॉर्मल बाइक की तरह आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे भाई ZX-Trainer के। मैंने सोचा भाई ये बाइक के अंदर प्राइस भाई 50 से 60 लाख होगा, बट यहाँ पे गाइस कंपनी ने रिकमेंड कर रहा है 20 लाख एक्स्ट्रा प्राइस है। अगर भाई 22-23 लाख के अंदर तुम लोग को ये बाइक मिल जाएगा ऑन रोड प्राइस। तो गाइस ये बाइक का आप लोग को लुक कैसा लग रहा है ऑब्वियसली भाई कमेंट करके बता दो। और अभी जो मेन जो बात है लॉन्च डेट, तो ऑलरेडी ये इंडिया मार्केट के अंदर बहुत दिन पहले यार लॉन्च हो चुका है। तो ये बाइक का वीडियो देख के कैसा लग रहा है ऑब्वियसली भाई कमेंट करके बता दो। सबसे बड़ी जो बात है ना एक डायलॉग आता है, तो ये बाइक आप लोगों को कैसा लगा ऑब्वियसली भाई कमेंट करके बता देना। आज का वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक लाइक करो, चैनल को बढ़ना हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक के लिए चाहिए और भी भाई कमेंट करके बता देना। सो गाइस चलो आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।